हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग ग्रैंड प्राइम। इसका मॉडल है G531H। तो आज हम इसका FRP बाईपास करेंगे, बिल्कुल फ्री टूल से डायरेक्ट अनलॉक करेंगे वन क्लिक में, और बिना कोई एरर का और बिना कोई सॉफ्टवेयर फाइल का, बिना कोई ऑडियन टूल का। तो एक फ्री टूल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिना पासवर्ड का, तो वेरी टू यूज है। तो इसके लिए आपको मस्ट भी दो चीज़ होना चाहिए। सैमसंग USB ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपने कभी भी सैमसंग FRP बाईपास नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में USB ड्राइवर और ये टूल दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ये टूल ओपन करने से पहले आपके PC में जो भी एंटीवायरस है या फिर विंडोज डिफेंडर है, आपको उसको ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद में आपको फ़ोन को USB से कनेक्ट करके डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे चेक कर लेना मोडेम्स। यहाँ पे आप देखना मोडेम्स में सैमसंग का ये पोर्ट बनना चाहिए, और सबसे ऊपर में स्टार्टिंग में देख सकते हो एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दो ड्राइवर मिलेंगे, एक यूनिवर्सल ADB ड्राइवर, उसको इंस्टॉल करना, एक सैमसंग USB ड्राइवर, उसको इंस्टॉल करना। एंड थर्ड में आपको जो मैं ये टूल देने वाला हूँ, SAM FW टूल, आपको ये टूल ओपन करना है। और ये टूल ओपन करने से पहले मस्ट भी आपके PC में जो भी एंटीवायरस हो आप उसको डिसेबल कर लेना, या फिर विंडोज डिफेंडर उसको आपको ऑफ कर लेना, ठीक है। तो ये टूल रहा हमारा, तो इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक फाइल इसको भी डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना वर्जन 3.31। और ये जिप फाइल को हम कर लेते हैं यहाँ से अनजिप। तो अनजिप करने के बाद में ये एक फोल्डर क्रिएट होके आपको मिलेगा, यहाँ पे ये फोल्डर ओपन करना है। एंड इसमें सेकंड नंबर पे जो देख रहे हो ये टूल को आपको रन करना है यहाँ से। ये टूल रन होने के बाद में, ठीक है, क्या करना जो आपको देखना मस्ट भी, यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड डिवाइस हमारा ADB इंटरफेस एक शो कर रहा है, जो कि सब फ़ोन में सैमसंग का नहीं करता। ये MTP पे आपको क्लिक करना है, एंड्रॉयड वर्जन 5 पे काम करता है, ठीक है। ADB पे क्लिक करने के बाद में ADB रीड फुल इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे आप देखना है कि यहाँ पे अलाउ USB डबिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलवेज पे टिक करके आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा फ़ोन का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड हो गया, और आप हमारे फ़ोन का जो इनेबल ADB होता है वो भी हमारा ADB इनेबल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा ADB इनेबल हो गया पूरा, यहाँ से मॉडल G531H ग्रैंड प्राइम 3G। तो इस तरह का हमारा पूरा इंटरफेस यहाँ से ओपन होके आ चुका है, देख रहे हो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें एंड्रॉयड वर्जन 5.5। तो ये जो मेथड है ये एंड्रॉयड 5 सारे सैमसंग जिसमें भी FRP लगा हुआ एंड्रॉयड 5 पे ये काम करने वाला है। फिर रिमूव FRP पे क्लिक करके न्यू मेथड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना, जो है रिमूव FRP क्लिक करना है और न्यू मेथड पे, ठीक है। यहाँ से रिमूविंग FRP कर रहा है ADB मोड में, और बिल्कुल सेफ मेथड है, इससे फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से FRP बाईपास हो चुका है। ये फ़ोन को आपको कुछ नहीं भी करना, फ़ोन एक बार रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पे लिख दिया है FRP रिमूव फेल्ड, तो आपको यहाँ पे इसे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे फेल्ड आ जाता है। बट ये हमारा फ़ोन का FRP ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फ़ोन यहाँ से स्टार्ट होने देते हैं हम। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा इसमें डीपली बताया। जो बंदा फर्स्ट टाइम, जो भाई लोग फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख के कर रहे हैं, वो FRP इजीली बाईपास कर लेंगे। तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसके लिए आपको दो ड्राइवर और एक ये टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट में एक देखिए FRP हमारा कंप्लीट हो चुका, फर्स्ट यूनिवर्सल ADB ड्राइवर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सेकंड में सैमसंग USB ड्राइवर, उसको इंस्टॉल करना है, यूनिवर्सल ADB ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, ये दो जो हमारा है ड्राइवर इंस्टॉल करना है। थर्ड में ये टूल को डाउनलोड करके सेम प्रोसेस जैसे मैंने किया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर।